नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में कहा, महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक है, लेकिन ड्राइवर के लिए है झगड़ा। अमित शाह ने महाराष्ट्र तो राहुल गांधी ने की झारखंड में रैली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर घमासान, पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन सरकार बनते ही साजिशें शुरू। भाजपा का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा गठबंधन तोड़ने का करता है काम, कांग्रेस को बताया संविधान का भक्षक। अरविंद केजरीवाल के वीवीआईपी कल्चर पर भी लगाए गंभीर आरोप। द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कनाडा सरकार पर लगाया मीडिया की आवाज को दबाने का आरोप। कनाडा सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू को किया है ब्लॉक। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता, अंतरिम सरकार से हमलों में शामिल तत्वों पर एक्शन की मांग। चटगांव में हिंदुओं पर ताजा हिंसा के बाद तनाव। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख करीब आते आते सियासी पारा हाई हो चला है। रैलियों का जोर है, वादों नारों का शोर है, वार पलटवार का सिलसिला चारों ओर है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बहुल सीट धुले में महायुति की तरफ से मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की राजनीति का आधार केवल लूट है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है, इनकी गाड़ी में न पहिया है न ब्रेक है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि महाविकास अघाड़ी के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, वे महिलाओं को सशक्त नहीं होने देना चाहते हैं। पीएम मोदी के अघाड़ी पर किए तीखे हमले के बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। किसी को आपस में लड़ाना एक कांग्रेस ने कभी किया नहीं, ना धर्म में उन्होंने आपस में लड़ाया, ना वो भी किसी जात को आपस में लड़ा है। ये तो काम करती है बीजेपी करती है। महाविकास अघाड़ी तो विकास के एजेंडा पे अपनी गाड़ी चला ही रही है। गाड़ी तब भी चल रही थी कोविड के कार्यकाल में जब हमारे एमएसएमई में 35% बढ़ावत हुई थी। वहीं कराड़ दक्षिण में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने भी महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में एक तरफ शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली एनडीए है तो वहीं दूसरी ओर तुष्टिकरण में डूबी एमवीए है, जनता एनडीए को ही लाने वाली है। हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा सहित तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में सरकार बनाने और बदलने की जंग तेज हो गई है। भाजपा की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं तो वहीं इंडी के प्रचार की कमान हेमंत सोरेन और राहुल गांधी संभालते नजर आ रहे हैं।
झारखंड में प्रचार अब चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब जबकि पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए काफी कम समय बचा है, तो सभी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी रणभूमि में उतार दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश में प्रचार करते दिखे। उन्होंने इस दौरान वादा किया कि झारखंड में हमारी सरकार बनी तो हर महीने खटाखट खटाखट 2500 महिलाओं के खाते में आएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन ने भी प्रदेश में जनसभाएं कर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1000 रुपए जाता है, 2500 रुपए महीने का ठकाठक ठकाठक ठकाठक। ये बेचारा मंत्री ठीक से बने भी नहीं थे, चुनाव का घंटी बजा दिया चुनाव आयोग ने, जबकि एक महीना डेढ़ महीना और हम लोग का काम बाकी था, कार्यकाल बाकी था। पता नहीं कहा है इन लोगों ने समय से पहले चुनाव करा दिया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में ताकत झोंक दी है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में कहा कि प्रदेश में कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बनकर इस संस्कृति पर छाए हुए हैं। उधर झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं। कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बन के संस्कृति पर छाए हैं और आज हमारी आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति माटी बेटी और रोटी संकट में है, उसको बचाने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मुसलमान आबादी 10% से आज 34% हुआ संथाल परगना में, ये कि हमारा यहाँ का मुसलमान ने जन्म दिया है? हाई कोर्ट में आपको क्वेश्चन किया है, आपका पास जवाब क्या है? इस बीच झारखंड में भाजपा की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। आजसू ने राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 1,21,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाने का भी वादा किया गया है। 13 नवंबर को मतदान होना है, वहाँ अब चुनाव प्रचार में आखिरी दाव खेलते हुए स्टार प्रचारक जनता को लुभाने का हर सक प्रयास करेंगे ताकि जनादेश के जरिए सत्ता की कुर्सी हासिल की जा सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से मनोज और आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला नेताओं के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। राजीव कुमार ने आचार संहिता के अंतर्गत निर्देश दिया है कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणियों के खिलाफ अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं से सख्ती से निपटना होगा। आयोग ने महिलाओं के प्रति अशोभनीय भाषा की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और नाराजगी जताई। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी परिणाम देने और चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना पर अगले 3 वर्षों में प्रारंभिक रूप से 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना चिकित्सा उपकरण उद्योग के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना दास, नवनियुक्त सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना व तमाम अपेक्स कोर्ट के सदस्य मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने 4 दशक लंबे अदालती करियर से लेकर अपने निजी जीवन से जुड़े किस्सों को याद किया। अपने संबोधन में डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी माता को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी माता उनके जीवन के विकास का प्रमुख स्तंभ रही हैं। उन्होंने बताया कैसे उनकी माता ने उनका नाम धनंजय रखा था, परंतु धनंजय नाम रखने से उनका अभिप्राय भौतिक संपदा से नहीं बल्कि ज्ञान के भंडार से था।
उन्होंने जीवन में मिले अनुशासन का श्रेय अपने पिता को दिया। अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी सीजीआई चंद्रचूड़ ने बताया। I would like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. And thank you really all of you for giving me this great honor together with my family. But सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे। It's obviously a time when I must acknowledge those who have played a very critical role in my life, and who more or who better to begin with than my own mother. She told me when I was born, I was growing up, that I've named you Dhananjay, but the dhan in your Dhananjay is not material wealth. I want you to acquire knowledge. जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने अब्दुल्ला सरकार द्वारा आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर हंगामे का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को कार्यवाही शुरू हुई तो इस मसले पर फिर से हंगामा बरपने लगा। विधानसभा तो मानो जैसे जंग का अखाड़ा बन गई हो। विधानसभा में विधायकों के बीच एक बार फिर खींचम खींच और धक्का मुक्की हुई। वहीं अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर भाजपा के विधायकों ने विरोध किया तो उनमें से कुछ विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते भाजपा के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे ही इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। मैं कांग्रेस और यहाँ अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप वहीं इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी अनुच्छेद 370 को फिर से वापस नहीं ला सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी चार पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर भाजपा ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा ने भी 370 प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिर से प्रदेश में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग की गई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। प्रस्ताव में केंद्र से तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने को कहा गया। प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एकतरफा हटाने पर चिंता भी व्यक्त की गई थी। हंगामे के बीच बिना प्रस्ताव बिना किसी बहस के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने ध्वनि मत से पारित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर समोसा विवाद की सीआईडी जांच कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। भाजपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सीएम के लिए आए समोसे सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए और सुक्खू सरकार ने इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। हिमाचल की राजनीति अब एक अजीबोगरीब वाक्य को लेकर चर्चा में है। समोसा कांड एक बार फिर हिमाचल में हुआ है और इसको लेकर हिमाचल की सरकार एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। हिमाचल की सुखविंदर सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला समोसे से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसे मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए और इसके खिलाफ सरकार ने सीआईडी जांच तक बिठा दी है। भाजपा ने इस मामले में सरकार द्वारा जांच कराए जाने के आरोप लगाए हैं। भाजपा का दावा है कि सुक्खू सरकार अब ऐसे मामलों की भी सीआईडी जांच करा रही है। ये मामला 21 अक्टूबर का है जब मुख्यमंत्री के लिए मंगाई रिफ्रेशमेंट सुरक्षा कर्मियों को परोस दी गई। वहीं सीआईडी डीजी ने इस मामले में किसी भी तरह की जांच कराए जाने से इनकार किया है। सीआईडी डीजी के मुताबिक किसी भी पुलिस कर्मी को कोई नोटिस इस मामले में नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मीडिया कर्मियों ने इसे लेकर सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सवाल को टाल दिया। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई, खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर चिंता जाहिर की और कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब विकास की चिंता करने के बजाय समोसों की चिंता कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे किसी कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी गए थे उस कार्यक्रम में, वो समोसे परोसे जाने थे लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर, ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। दरअसल ये मामला मुख्यमंत्री के स्टाफ और सीआईडी के अंदरूनी कार्यप्रणाली के जग जाहिर होने का है। अलग अलग विभागों में आपसी तालमेल की कमी और सार्वजनिक तौर पर इस पर बयानबाजी से यह मामला और गहरा गया और देखते ही देखते सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होने लग गई और इसी बीच भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में चुप्पी साधी है, लेकिन डीजीपी सीआईडी जो है उन्होंने जरूर स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन इस पूरे वाक्य की वजह से, इस समोसा कांड की वजह से हिमाचल की सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है और पूरे देश में एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में 100 उर्दू शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उर्दू टीचर्स की भर्ती करने जा रही है। ये लोग उर्दू किसे पढ़ाएंगे? क्या उर्दू पढ़ने वालों को पहले प्रदेश में बसाया जाएगा? क्या ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का कुत्सित प्रयास है? दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की आशंका है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली समेत पूरा NCR इस समय वायु प्रदूषण की चपेट में है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों की सांस फूलने के साथ साथ आंखों में जलन और अन्य समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार की सुबह पूरी राजधानी स्मॉग में लिपटी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली हवाएं चल रही है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार फिर से जुमलेबाजी करती नजर आ रही है। राष्ट्र राजधानी में AQI 400 के पार जाने के बाद भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय फिर से प्रदूषण पर रोक लगाने का दावे करते नजर आ रहे हैं।
हालांकि हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और पूरे दिल्ली में डस्ट पॉल्यूशन को सेप्रेस करने के लिए 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति पर भाजपा लगातार आप सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का ध्यान प्रदूषण को रोकने की बजाय अपनी जेब भरने में है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली है ना, उसमें लोगों के लिए राहत है ही नहीं। वो एक दो लोक लुभावन बातें कर देंगे और उस लोक लुभावन बातों के पीछे सारे मौत के सामान परोसेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई है। सबको मालूम है कि 70% जो ये पोल्यूशन है उन कारणों से आ रहा है जिसपे सरकार अंकुश लगा सकती थी। ये भी बात सिद्ध हो गई कि जो पराली का झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और सिसोदिया और आम आदमी, वो भी झूठ निकला। तो सरकार पर अगर लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो एयर पोल्यूशन और जमुना जी की पोल्यूशन तो होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में तकरीबन 10 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया। रोहिणी में 439, जहांगीरपुरी में 436, मुंडका में 428, अशोक विहार में 418, आनंद विहार में 415 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा विवेक विहार में 414, नेहरू नगर में 413, पंजाबी बाग में 406, नरेला में 404, पटपड़गंज में 402 दर्ज किया गया। बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड शीश महल की PWD ने सामान की सूची जारी की है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में करोड़ों की आलीशान सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने को लेकर आरोप लगाए। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इस कथित विलासिता को उजागर करते हैं। ये किस तरह का VVIP कल्चर है, या इसको कहेगी VVVVVIP कल्चर है, ये पूछा जाएगा कि नहीं? इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का। ये 28,91,587 रुपए का है। 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो, ये पूछा नहीं जाएगा? और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। बीजेपी का दावा है कि राजनीति में उतरने और सीएम बनने के बाद तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी का जीवन जीने का दावा करते रहे हैं। खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल एक आलीशान शीश महल में रहते थे। 21,000 वर्ग फीट में फैले केजरीवाल के शीश महल में 250 टन क्षमता का सेंट्रल एसी प्लांट लगा है। वहीं घर में 8 बेडरूम, 12 शौचालय, 3 मीटिंग रूम, 2 ड्राइंग रूम और 2 रसोई हैं। घर में 24 सोफा सेट, 76 टेबल, 8 किंग साइज बेड, 50 कुर्सियां, 5 रिक्लाइनर बाथरूम और 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन सहित 50 AC लगे हुए हैं। केजरीवाल के इस आलीशान बंगले को नए सिरे से बनाने के लिए जनता के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। शीश महल में 1,70,00,000 कीमत का इंटीरियर, घर में लगे 72,00,000 कीमत के 11 TV, पूरे घर में 75 बोस सीलिंग स्पीकर और 50,00,000 के 9 प्रीमियम कालीन उनके इन दावों के खोखलेपन का सबूत है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर बंगले को लेकर आरोप लगाने वाले केजरीवाल अब खुद ही
विलासिता में लिप्त हैं। दरअसल केजरीवाल ने अलग राजनीति का दावा किया था और अब वो इन्हीं दावों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मुंबई में बौद्ध समाज शिविर में शिरकत की। उन्होंने महाराष्ट्र की एनडीए और केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं को सराहा भी। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मुंबई में हमारे अनुसूचित जाति और बौद्ध समुदाय के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4 दिवसीय 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ किया। अधिवेशन 8 से 11 नवंबर तक चलेगा। अधिवेशन के शुभारंभ के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान नितिन गडकरी ने रोड सेफ्टी और विभिन्न तकनीकों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ में पराली से एथेनॉल, सीएनजी जैसे ईंधन बनाने पर जोर दिया। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कांग्रेस पर जमात ए इस्लामी से राजनीतिक मदद लेने के आरोप पर कहा कि पी विजयन को इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी सबूत जनता के सामने रखने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस के कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के साथ गुप्त समझौते को उजागर करता है। If it is true, it exposes the Congress underhand deal with the extremist Islamist forces. But the Chief Minister should release the documentary evidence for that. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सपा के शासनकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच में प्रदेश की सुरक्षा का बुरा हाल था और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि किसी संस्थान का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा इसलिए खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि उसे संसद के एक्ट के जरिए स्थापित किया गया था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया। 1967 के अजीज बाशा बनाम केंद्र सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। 1967 के पाशा मामले में कोर्ट ने कहा था कि संसद के किसी एक्ट के जरिए बनाए गए केंद्रीय संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 30(1) द्वारा दिए जाने वाले अधिकार संविधान के लागू होने से पहले स्थापित संस्थानों पर भी लागू होते हैं।
यानी ये कहना गलत होगा कि संविधान लागू होने से पहले बना कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं पा सकता। संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले 1967 के फैसले को पलटते हुए ये भी साफ कर दिया कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जा देने की कसौटी क्या होगी। लेकिन बेंच ने अपनी ओर से ये तय नहीं किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। संविधान पीठ ने कहा कि नई रेगुलर बेंच इस फैसले में दी गई कसौटी के आधार पर तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। आस्था का महापर्व छठ भारत सहित पूरी दुनिया में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। अमेरिका के भी अलग अलग प्रांतों में छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान यहां के वर्जीनिया के पोटोमैक नदी का किनारा छठ गीतों से गूंज उठा। सैकड़ों की संख्या में प्रवासी भारतीय नदी के किनारे छठ पूजा के लिए एकत्रित हुए। इन 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व पर श्रद्धालुओं ने डूबते और उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया। भोर के अर्घ्य के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन हो गया। यूं तो भारत में ये पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं साथ समंदर पार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी छठ की लोकप्रियता दिखाई दी। वर्जीनिया में पोटोमैक नदी के तट पर भारतीय अमेरिकी समुदाय ने छठ पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। द इम्पोर्टेंस ऑफ छठ दैट एनीवन हर्ड अबाउट दिस वन दे कम फ्रॉम इवन कैलिफोर्निया ओहायो और पेंसिल्वेनिया टू सेलिब्रेट दिस इवेंट एंड मेनी पीपल से दैट ओके इफ आई गेट दिस थिंग I'll just do the observe the puja again. So they are coming and then the number of bratis are getting increased every year by year. छठ पूजा सनातन संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सूर्य आराधना के इस पर्व को संतान के दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे तो छठ पूजा हमारे लिए हमारा इमोशन मतलब निकल के आता है इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग बचपन से हमने देखा है उसको कैसे हमारी मदर किया करती थी, यहाँ आके हम मिस करते हैं, तो डेफिनेटली हम हर साल यहाँ पे आके शामिल होते हैं। पूजा हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत जब छोटे थे होश संभाला है तब से देखा है छठ पूजा, और जब यहाँ आई और जब पता चला कि यहाँ पे भी होता है तो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, और जब पता चला तो बहुत खुशी हुई, और मैं मेरे बच्चे सब हम लोग आते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। छठ तो हमारे लिए भावना है एक तरीके से, हम लोग इतने दूर देश में से बाहर आकर के भी यहाँ पे इतने भव्य तरीके से छठ मना पा रहे हैं, और इनका इसका श्रेय कृपा शंकर को जाता है जो कि यहाँ पे 12 साल से छठ मना रहे हैं, और हर साल लोग इकट्ठे जुड़ते जा रहे हैं और ये महापर्व बहुत बड़ा पर्व बनते जा रहा हमारे लिए। प्रवासी भारतीयों द्वारा छठ पर्व को पारंपरिक शैली से मनाने के लिए काफी तैयारियां की गई। नदी के किनारे श्रद्धालु पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में थे और हर कोई छठ मैया की आराधना में तल्लीन था। यहाँ पोटोमैक नदी के किनारे छठ पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ अमेरिका में अपना एक खास स्थान बनाया है, और त्योहार जैसे कि छठ पूजा, इसके जरिए वो अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वर्जीनिया। बिहार में 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा की आज समाप्ति हो गई है। इसके बाद दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों की वापसी शुरू हो गई है। छठ पूजा को देखते हुए इस बार रेलवे ने बड़े स्तर पर इंतजाम किया था। लोगों को घर पहुंचाने के लिए 7,500 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई थी। वहीं अब बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए भी अब स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आज राज्य में 140 से ज़्यादा विशेष ट्रेन चलाई गई हैं। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण ने पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए की गई विशेष तैयारी के बारे में जानकारी ली। उगते हुए सूर्य को आज अर्घ देने के साथ ही छठ व्रत की समाप्ति हो गई है। ऐसे में दूसरे राज्यों से आए हुए बड़ी संख्या में लोग अब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यात्रियों को सुविधा के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं, जैसे जल पेयजल का
यात्री के बैठने के लिए, यही सब है। वहाँ पर स्क्रीन भी लगा हुआ है, गाड़ी करते हैं इनके बताने के, हमारे टीटी बाबू बैठे हुए हैं मैं हेल्प बूथ पे। हाँ, स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए स्पेशल ट्रेन का डेली टू डेली हम लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया है, जो कि हर स्टाफ के पास मौजूद है। कोई भी यात्री किसी से पूछेगा वो यात्री उसको बताएगा। इसके बाद हमने जो मेडिकल टीम एक लगाई हुई है वो देखिए अभी तक 3 तारीख से लगी हुई है और 333 लोग जो है अभी तक वहाँ पर दवाई ले चुके हैं। अभी तक रिकॉर्ड है अभी 333 लोग, और अभी आगे भी लोग आते हैं, ये लोग मदद करते हैं, दवाइयाँ देते हैं लोगों को। यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने पूरे डिवीज़न से सारा स्टाफ लगाया हुआ है, पूरा स्टाफ डिप्लॉयड है, आरपीएफ लगा हुआ है, और अगर जनरल कोच में रस्सा लगा के यात्रियों को बैठाया जाएगा, और जैसे जिन लोगों का रिजर्वेशन है वो लोग, उन लोग चढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो हर गेट पर आदमी तैनात रहेंगे और यात्रियों को परेशानी ना हो उनको चलने दिया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो स्टाफ हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं, किस तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए लगातार साफ सफाई भी की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए ये यात्रियों को जानकारी देने के साथ में किसी तरह की परेशानी होने पर उनकी मदद भी करते हैं। डीडी न्यूज के लिए हमारे सहयोगी अरविंद कुमार वर्मा के साथ मधुरेश नारायण। रेल मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किए गए एक महीने के विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभियान के तहत 2.5 लाख जन शिकायतों और 138 राज्य सरकार के मामलों का समाधान किया गया। इस दौरान रेल मंत्रालय ने 56,168 स्वच्छता अभियान भी चलाए। साथ ही रेलवे ने स्क्रैप निपटान के माध्यम से 452.40 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इस अभियान को स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने, संगठनात्मक दक्षता में सुधार करने और भारतीय रेलवे में कर्मचारियों और जनता को सार्थक तरीके से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान रेलवे ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष रेल चौपालों का आयोजन किया। इस दौरान शिकायतों का समाधान करने और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने का भी प्रयास किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों पर केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें हर सेक्टर में पारदर्शिता के लिए ई मार्केटिंग की शुरुआत हुई है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी संशोधन किया है। इसी के साथ सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सख्ती करके करोड़ों रुपए जब्त भी किए हैं। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है, सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं, एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है। पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत सरकार ने $12 बिलियन से अधिक की संपत्तियां जब्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी स्वच्छता अभियान का ही हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति से भ्रष्टाचार जोर से समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति का कार्य भी देश की स्वच्छता के अभियान का ही एक रूप है। भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्रवाई में दूरी या कमजोर कार्रवाई से अनैतिक व्यक्तियों को हौसला मिलता है। इस समारोह के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तैयार 3 पत्रिकाओं का भी लोकार्पण किया गया। तीनों पत्रिकाओं की पहली प्रतियां केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई।
इन पत्रिकाओं के साथ साथ डाक विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पर एक विशेष कवर भी जारी किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वाले इस सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस साल इसकी थीम सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि रखी गई है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे ने उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के कनाडाई सरकार के फैसले की आलोचना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल और कुछ पेजों को कनाडा ने ब्लॉक कर दिया था। कनाडा और भारत के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। मंदिरों पर अटैक और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद कनाडा सरकार की एक और करतूत पर भारत ने सवाल उठाए हैं। कनाडा ने एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। इस चैनल ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया में उनकी समकक्ष पेनी वोंग की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। इसके बाद जयशंकर का इंटरव्यू भी लिया गया था। जयशंकर ने इस दौरान कनाडा पर बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया था। In life there will be challenges. Sometimes you will have a few extremist people who will go and do something. It's important that they are checked. You know, well, look, we are the most, I would say, vigorous democracy in the world. I mean, no country has a stronger commitment to freedom than India. But we always tell people, freedoms are meant to be utilized. Freedom should not be misused. Freedom does not mean that you have also the right to misuse the freedom. So freedom comes with responsibility, comes with good behavior. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस इंटरव्यू के बाद कनाडा का गुस्सा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे पर फूट पड़ा और इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद ही कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया। द ऑस्ट्रेलिया टुडे के संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने कहा कि इस घटना से प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कनाडा सरकार की निंदा भी की, साथ ही उन्होंने बताया कि कनाडा के हिंदुओं की ओर से लगातार फीडबैक मिल रहा है और कनाडा में हिंदू कम्युनिटी काफी परेशान है। It's a shameful act. I mean, governments, Western democracies में अगर governments इस तरह के media पे press freedom पे crackdown करती हैं, तो इससे ज़्यादा ख़राब बात कुछ नहीं हो सकता है। I mean, I'll ask them कि भाई अगर आपको अपनी बात कहनी है, your part of the story अगर आपको बतानी है, तो हम we are happy to do an interview with Justin Trudeau. We are happy to do interview with their ministers. जैसे ही हमने Facebook पर वो interview लगाया, उसके 45-50 minutes में हमारे पास Canadian followers की तरफ से contact करने लगे, वो message भेजने लगे कि they can't see this interview on the Facebook page. And that's when we got, हम लोग बहुत कंसर्न हो गए कि क्या टेक्निकल गड़बड़ हुआ, एंड वी चेक्ड अपने टेक्निकल टीम के साथ, और हमारे एंड पे कुछ नहीं था, और हमें फिर फॉलोअर्स ने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया कि उस पे फेसबुक पर ये लिखा आ रहा है कि कनाडा में ये कंटेंट नहीं देखा जा सकता गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन की वजह से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि हमें पता चला है कि इस आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया और कनाडा में अब ये दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। We were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EMN's media state media engagement interaction. He spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that, why the Australia Today channel was blocked by Canada.
कनाडा जिस तरह का दो मुहा बर्ताव भारत के साथ कर रहा है, उससे एक बात साफ हो गई है कि उसकी रुचि निज्जर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना नहीं है। साथ ही कनाडा में वो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा को भी नहीं रोक रहा है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर के साक्षात्कार का प्रसारण कनाडा में ब्लॉक करके जस्टिन ट्रूडो प्रशासन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भी अब वैचारिक खोखलापन दर्शा दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के सबसे पुराने थिंक टैंक यूएसआई ने आज नई दिल्ली में दो दिन के मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत की। इसमें शौर्य गाथा नामक एक कार्यक्रम को भी लॉन्च किया गया, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर कई और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट भारत के ऐतिहासिक जंग के मैदान, जंगों के म्यूजियम और युद्ध स्मारकों पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे। The essence of India's statecraft is embedded in our ancient scriptures. To name Chanakya Niti, Arthashastra, military systems of Cholas, Palwas, Marathas, Sikhs, Dogras, etc. India's participation in the two world wars and post-independence conflicts endows the nation with unique war-fighting experience that adds to our rich military heritage. The moorings of India's military heritage are based on strong ideas, beliefs, and principles. The heritage is as old as Indian civilization and India's socio-political history. When we talk about heritage, heritage refers to various ways in which culture, tradition, and history are expressed or transmitted from one generation to the other. It is encapsulated in various forms. Preserving heritage is important for future generations as it keeps to preserve and promote cultural diversity, identity, and continuity. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रेखापल्ली कोमठपल्ली क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से राइफल और कई हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की कार्रवाई जारी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ने शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दरअसल भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF होने वाला है। आगंतुकों के लिए DMRC के आधिकारिक ऐप पर QR कोड आधारित व्यापार मेले के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। 11 नवंबर 2024 से QR टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। एक व्यक्ति इन ऐप्स के माध्यम से प्रतिदिन 10 टिकट बुक कर सकता है। गोवा में शुरू होने जा रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजन होगा NFDC फिल्म बाजार का, जो फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों को आपस में जोड़ने, सहयोग करने और अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए व्यापक मंच प्रदान करेगा। NFDC फिल्म बाजार के 18वें संस्करण ने को प्रोडक्शन मार्केट के लिए अपने आधिकारिक चयन की घोषणा की है, जिसमें 7 देशों की 21 फीचर फिल्में और 8 वेब सीरीज शामिल हैं। NFDC के फिल्म बाजार के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। NFDC फिल्म बाजार के 18वें संस्करण के को प्रोडक्शन मार्केट के लिए अपने आधिकारिक चयन की घोषणा की है, जिसमें 7 देशों की 21 फीचर फिल्में और 8 वेब सीरीज शामिल हैं। फिल्म बाजार का आयोजन हर साल गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक होने वाले प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ किया जाता है। इस वर्ष फिल्म बाजार 20 से 24 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। इस वर्ष के आधिकारिक चयन में हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, तमिल, मारवाड़ी, बंगाली, मलयालम, पंजाबी, नेपाली, मराठी, पहाड़ी और कैंटोनीज सहित भाषाओं की समृद्ध पट्टिका प्रदर्शित की गई है। फिल्म बाजार में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और हांगकांग के फिल्म निर्माता, वितरक, फेस्टिवल प्रोग्रामर,
फाइनेंसर और बिक्री एजेंटों सहित उद्योग के कई पेशेवरों के सामने अपनी परियोजनाएं पेश करेंगे। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ने शुक्रवार को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत मंडपम में 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होने वाला है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा आज राजघाट से शुरू हो गई है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ITO में बने छठ के घाट पहुंचे। यमुना नदी की दुर्दशा और प्रदूषण पर उन्होंने केजरीवाल सरकार पर धावा बोला। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं और इस बाबत लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में मैसूर संगीत सुगंध 2024 महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास भी और विरासत भी मूल मंत्र पर विश्वास करते हैं। ये भारतीय संस्कृति को और भी सशक्त करेगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा है कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के इरादों को असफल प्रयास कहा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की। इस मौके पर JP नड्डा ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी परिणाम देने और चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़कर देश से जाने और वहां अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। चटगांव से पुलिस और सेना द्वारा हिंदुओं पर हमले का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है। प्रसिद्ध लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन के अनुसार बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने की साजिश भी चल रही है। आखिर कौन रच रहा है ये साजिश, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। चटगांव में पुलिस और सेना की बर्बरता के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खौफ के साए में है। चटगांव में कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार जारी है। हिंदुओं की पीड़ा ये है कि उन्हें भीड़ के हमलों का निशाना बनने के बाद पुलिस और सेना के दमन का भी शिकार होना पड़ रहा है। चटगांव में इस्कॉन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पुलिस और सेना हिंदुओं पर ही कहर बनकर टूटे। इस दौरान हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की गई, वहीं भीड़ ने उनकी दुकानों में लूटपाट की। मानवाधिकार कार्यकर्ता और विश्वविख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जैसे संगठनों पर इसको लेकर निशाना साधा है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि चटगांव के हजारी लेन में पुलिस और सेना ने हिंदुओं पर हमला किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि जमात, शिविर, हिजबुत तहरीर क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि प्रताड़ना से डरकर हिंदू बांग्लादेश छोड़ दें? क्या ये बांग्लादेश में खिलाफत की स्थापना की शुरुआत है? ध्यान रहे कि भारत ने गुरुवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और कसूरवारों के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। उधर इस्कॉन बांग्लादेश ने स्वयं को लगातार निशाना बनाए जाने और हिंदुओं पर हमलों की आलोचना की है। संगठन ने अपने वक्तव्य में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस्कॉन को निशाना बनाया गया हो। हिंदू समुदाय अगस्त से ही कट्टरपंथी तत्वों के हिंसक हमलों का शिकार हो रहा है। इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों के दुष्प्रचार के बीच प्रशासन का रवैया भी सवालों के घेरे में है। इस्कॉन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कई लोगों पर न्याय के लिए आवाज उठाने की सजा के तौर पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। न्याय और सुरक्षा की मांग के साथ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की जगह उत्पीड़न ही मिल रहा है।
पाकिस्तान में वहां की सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं और इन दोनों फैसलों को संसद से भी पास करवा लिया है। इन फैसलों से जहां एक ओर वर्तमान सेना प्रमुख आसिम मुनीर काफ़ी शक्तिशाली हो जाएंगे, वहीं न्यायपालिका को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दल इन बदलावों का विरोध कर रहा है। क्या हैं ये फैसले, देखिए खास रिपोर्ट। इस हंगामे के बीच पिछले दिनों पाकिस्तानी संसद में पारित हुआ एक कानून बड़े दूरगामी प्रभाव डालने वाला हो सकता है। कुछ ही घंटों के अंदर दोनों सदनों से मंजूरी के बाद इसे झटपट अधिसूचित करके लागू भी कर दिया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान में सत्ता के ढांचे में कई निर्णायक बदलाव हो गए हैं। अब सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल से बढ़कर 5 वर्ष हो गया है। 64 वर्ष की आयु में सेना प्रमुख के अनिवार्य रिटायरमेंट की शर्त हटा दी गई है। सेना प्रमुख को अब 3 के बजाय 5 वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा। वैसे कानून में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के लिए ये प्रावधान किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसके असली लाभार्थी वर्तमान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर होंगे। जानकारों का कहना है कि इस कानून के बाद अब वो जब तक मर्जी करे तब तक सेना का नेतृत्व यानी पाकिस्तान पर राज कर सकेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि शहबाज शरीफ सरकार के पास बहुमत नहीं है और सत्ताधारी गठबंधन सेना की दया पर है। ऐसे में सेना प्रमुख के इशारे पर सरकार ने आनन फानन में यह कानून बनाकर जनरल आसिम मुनीर का रास्ता साफ किया है। सरकार ने एक और विवादित कानून बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और संविधान पीठ गठन का अधिकार हाथ में ले लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग पुनर्गठित करके उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की तुलना में सरकार के प्रतिनिधियों का बहुमत सुनिश्चित किया गया है। इसी अधिकार को काम में लाकर सुप्रीम कोर्ट में पसंद के जजों की संविधान पीठ बना दी गई है। इस पीठ का प्रमुख जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया गया है, जो सरकार और सेना के करीबी माने जाते हैं। नए कानून में सभी प्रमुख मुद्दों को सुनने का अधिकार अब उन्हीं की पीठ को होगा। जानकारों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमीनुद्दीन के मातहत बनकर रह गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इन सारे कानूनों का लक्ष्य सेना प्रमुख के सेवा विस्तार से जुड़े किसी भी संभावित मुकदमे का मनमर्जी का फैसला हासिल करना है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दल इन बदलावों का विरोध कर रहा है, लेकिन सेना और सरकार के गठजोड़ के सामने उसका प्रतिरोध सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।